मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें और फिर इसमें नॉलेज आपका अच्छा हो जाए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें ताकि कंसेप्ट क्लियर और रिजल्ट भी क्लियर हो जाए। स्वागत है आप सबका, मैं आरके सिंह सर, मैथ टीचर हूँ मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है मोतिहारी में और ऑनलाइन कोचिंग चलता है यूट्यूब के माध्यम से। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैथमेटिक्स काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। कुछ माइंडसेट बन जाता है बच्चों के पास कि सर मैथ काफ़ी हार्ड होता है, जिसके कारण से वो मैथ से भागने लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैथ का किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं आप, सबसे पहले क्या कीजिए कि उस चैप्टर के मेन थीम को समझिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि लिखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 1 to 1 करके वो बना डालते हैं। बनाने के बाद क्या होता है, आराम से वो उसको रट्टा मारना शुरू करते हैं, बार बार बनाना शुरू करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं किसी क्वेश्चन को बार बार आप मत बनाएं, हर क्वेश्चन को आप बार बार बनाने का प्रयास करें, लेकिन पहले समझिए तरीका आपका गलत था। किसी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले समझिए कि उस चैप्टर का मेन मतलब क्या है, वास्तव में चैप्टर क्यों दिया गया है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उस सारे कंसेप्ट को पहले समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद एक एक पॉइंट को समझिए, सर से कहिए कि सर इस टॉपिक का मतलब समझाइए, इस टॉपिक का मेन यूज समझाइए। उसके बाद तब उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कीजिए। करने के बाद क्या कीजिए कि इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाइए। इसको आप फेयर कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि मैथ का भी फेयर करना ज़रूरी होता है, एक एक क्वेश्चन का फेयर, कंसेप्ट का फेयर। ऐसा कर लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर इंडिया में हैं आप, इंडिया में रहते हैं भाग सकते हैं, तो आप NCERT बुक को कभी मत छोड़िए। NCERT बुक के किसी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास जरूर कीजिए, उसका प्यारा सा नोट्स बनाइए, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, क्वेश्चन क्लियर होने के बाद एक बड़ा सा फैक्टर काम करता है, इसे अगर आप नहीं समझते हैं तो मैथ ज़िंदगी भर वीक रहेगा, समझ में नहीं आएगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा मैथ का, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नाम का भी तो कोई चीज़ होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास, है कि नहीं है। अभ्यास के दम पर आदमी बहुत सारा चीज़ कर लेता है जो उसके लिए असंभव लगता था। तो आपको भी तो करना पड़ेगा अभ्यास। आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया, सारे क्वेश्चन को एक साथ क्लियर कर लिया, तो आप एक साइड बुक लीजिए NCERT का अलावा, जिसमें एक टाइप से एक टाइप पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिए रहे। साइड बुक में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं एक ही टाइप के, दो टाइप के, उसको बार बार बनाइए, और उसके बाद जो NCERT बुक के प्रॉब्लम्स हैं उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, उसको देख कर बनाइए लेकिन बनाइए, लिखने का प्रयास कीजिए। अब रही बात यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया किताब के, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। इसके लिए मार्केट में बुक अवेलेबल होगा ऑब्जेक्टिव का, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बनाने का प्रयास कीजिए। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोर्स लॉन्च करते हैं, उसकी व्यवस्था हम किए हुए हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, इसका सपोर्ट ले सकते हैं। यूट्यूब पर जाके गाना या कोई चीज़ दूसरा चीज़ देखने से बेहतर है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो कम से कम इतना तो यूज कर लें, कोई चैप्टर ख़त्म हो तुरंत सर्च कीजिए ऑब्जेक्टिव जिस क्लास में है, 12 ऑब्जेक्टिव, 12 मैथ ऑब्जेक्टिव बाय आरके सिंह, सर्च कर लिया आपने, मान लीजिए हम पढ़ा रहे थे, मेरा नाम सर्च किया आपने, सारा चीज़ मिल गया। आप क्या करते हैं उसको एक एक करके सारा कंसेप्ट के साथ में नोट कर लीजिए। मार्केट में बुक है, उससे आप सारे ऑब्जेक्टिव बना लिए। तो ट्रिक भी सीखने के लिए आपको मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा या सर से मिलना पड़ेगा। तो ट्रिक सीख कर, कंसेप्ट सीख कर, किसी एक चैप्टर में जितना हमने बातें बताई है इतना एफर्ट डालते हैं तो आपसे बड़ा हीरो मैथमेटिक्स में कोई नहीं होगा। और इस बात को सब कोई फॉलो करता है तो सब हीरो रहेंगे ना। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, थ्योरी को, थ्योरी पार्ट को समझना है, थ्योरी पार्ट को समझने के बाद क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ट्रिक्स समझने हैं, कुछ शॉर्टकट तरीके होते समझने हैं, उसके बाद पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तब जाकर उस चैप्टर को फिनिश मानिएगा। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है तो जाकर वहाँ पर टेस्ट देने का भी प्रयास कीजिए, तब जाके काम सफल होगा। ये सारी बातें समझने के बाद इतना कर लेते हैं, तो
तो आपको मैथ सबसे आसान लगेगा, मज़ा आएगा। कोई काम आसान कब लगता है? जब उसको करते हैं, करेंगे तब तो। बिना मेहनत कोई काम आसान लगेगा क्या? इतना काम करते नहीं हैं आप, कहते हैं आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप करके देखो तो, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, नॉलेज क्यों नहीं बढ़ेगा? इतना करके देखो आप, पक्का बढ़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत हम करते हैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो शेयर करना बनता है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक करना ना भूलें। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।